बिहार के सिवान जिले में अगर देखिएगा बड़हरिया में तो फिर से लॉकडाउन लग गया है। देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, बड़हरिया में लॉकडाउन की तरह माहौल बन गया है। हालांकि अभी लगभग 10:30 हो रहा है मेरे घड़ी में और 10:30 करीब में बड़हरिया में लॉकडाउन का माहौल है। दिखाइएगा लंबी कतार में तो कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं, तमाम दुकान को बंद कर दिया गया है। इसका हम वजह बताएंगे आखिर बड़हरिया में क्यों लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिखाइए हम लोग जामो चौक पे खड़ा है एक मरतबा, चारों तरफ दिखाइएगा ना तो ये लॉकडाउन की तरह ही बहड़ियों को फिर से एक मरतबा और लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया है। थोड़ा सा और आगे आइए, हम बातचीत भी करेंगे यहाँ के स्थानीय लोग से भी, हम बताएंगे बहड़िया को बंद करने की वजह क्या है। और बंद करने की वजह ये नहीं कि कल खोल दिया जाएगा, इस बंद करने की वजह कई हो सकते हैं। हालाँकि हम बता रहे हैं जो विस्तार से खबर बताएँगे हम आपको, बहड़िया में 14 तारीख को शाम को किसी व्यवसायी के ऊपर गोली चलाई जाती है और व्यवसायी को न लगकर किसी कस्टमर को गोली लगता है। हालांकि वो कस्टमर सिवान ज़िला से भी नहीं आता है, किसी केक वेक दुकान में वो पहले से ही वर्क करता है और वो लेबर मजूरा है और काम करता है, उसको गोली लग जाता है। उसके बाद 14 तारीख गोली लगने के बाद से उसके पैर में गोली लगता है, उसको सिवान में सदर अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, सदर अस्पताल में ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद से बहड़िया के जितने व्यवसायी लोग हैं खौफ में जीना शुरू कर देते हैं और ये लोग तय करते हैं कि कल से बहड़िया में अब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और वरीय अधिकारी को मांग करेंगे और हम लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे। 15 तारीख को अहले सुबह तमाम दुकानदार लोग आते हैं और तमाम बहड़िया के जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं वो तमाम लोग आते हैं और आकर बहड़िया के चरमोहानी थाना चौक के सामने वो लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद से कई घंटों तक इन्होंने रोड को आवागमन को रोक दिया गया। आवागमन रोकने के बाद से सिवान से वरीय अधिकारी आते हैं, फिर उनसे वार्तालाप होती है और बातचीत होने के बाद उनसे उनके फिर वहाँ से लोग हट जाते हैं। लेकिन अहले शाम को ही फिर 17 से 18 आदमी पे केस कर दिया जाता है और पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी किया है और पुलिस को अभद्र भाषा के प्रयोग किया है, कई ऐसे आरोप लगाकर इनके ऊपर कई ऐसे धाराएँ लगा दी जाती है। उसके बाद से जब सामाजिक लोगों पर जब केस हो जाता है तो तमाम जो लोग हैं बहड़िया के व्यवसायी लोग हैं, कल लोग कुछ लोग बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद से ये निर्णय लेते हैं कि बहड़िया में तब तक लॉकडाउन की तरह माहौल को बनाए रखेंगे हम लोग जब तक जो कि अपराधी हो गिरफ्तार नहीं हो जाता है, थाना प्रभारी को यहाँ से निलंबित, जितना लोगों पे केस हुआ है उन लोगों को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक बहड़िया में लॉकडाउन की तरह माहौल बनाया जाएगा। हम बात भी करेंगे। आप लोग जाइएगा सिवान वाले रोड में ना तो समियाना गिरा दिया गया है और वहाँ पर तमाम जो कि व्यवसायी लोग हैं वो तमाम व्यवसायी लोग बैठेंगे। देखिए बहड़िया में फिर से लॉकडाउन लग गया है और ये लॉकडाउन के कारण बहुत हो सकते हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। बहड़िया में सिर्फ जो लोग दूसरे एरिया के लोग आ रहे हैं उन्हीं लोगों का आवागमन शुरू है, अदरवाइज दिखाइए ना बहड़िया के चारों तरफ से एकदम शांति माहौल सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर इसका वजह क्या है? वजह यही है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है बहड़िया में। देखिए बहड़िया में लॉकडाउन नहीं लगाया लेकिन पूर्णतः बाजार बंद है, लॉकडाउन ही की तरह ही मैंने पूर्ण बाजार बंद है। असल में मुद्दा ये है कि जो है निर्दोष जनप्रतिनिधियों और व्यवसायियों को जो है पुलिस ने जो है झूठे मुकदमे में फंसाया। अब हम लोग क्या करें, एक तरफ अपराधी डरा रहा है और एक तरफ पुलिस डरा रही है। हम लोग कह रहे हैं झूठे मुकदमे में पुलिस ने फंसाया है लेकिन साफ तौर पर लेटर में लिखा है कि कई घंटों तक आवागमन को बंद किया गया, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया। देखिए रहा सवाल कि ये लोग जो लिखे हैं कि लाठी भाला फेरसा लेकर के दुकानदार आए, अगर सीसी फुटेज दिखा दे यहाँ से हजारों सीसी, यहाँ से थाना जामो चौक से लेकर के और थाना चौक तक हजारों मैंने फुटेज होगा, मीडिया का भी वो लोग फुटेज ले, अगर एक भी लाठी डंडा दिखा दे या भाला दिखा दे तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये सर व्यवसायियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ समझ लीजिए कि एकदम अन्याय हुआ है। क्या तीन मांगे क्या क्या हम लोगों का? तीन मांगे हैं कि जो भी व्यवसायी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनका जो झूठा मुकदमा है उसको मैंने प्रशासन जो है इसको जो है वापस ले, एक दो पहला हो गया। दूसरा मांग कि जो है अपराधी जो अविलंब गिरफ्तार हो और सही अपराधी गिरफ्तार हो। हाँ, निर्दोष नहीं, इसमें जो है खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए कि हमने अपने खाना पूर्ति कर दिया लेकिन सही जो है मुजरिम हो वो पकड़ में आए और सलाखों के पीछे जाए। तीसरा मांग ये है कि स्थानीय प्रशासन का यहाँ से तबादला हो, सामूहिक तबादला होना चाहिए। प्रशासन समझ नहीं पा, थाना के जो भी अधिकारी हैं, बड़ा बाबू हैं या वहाँ के जो भी अधिकारी हैं, सबका सामूहिक जो है तबादला किया जाए। हम लोग का यही तीन समझ लिए कि मुख्य मांग है। कब तक आप लोग बैठिएगा? अनिश्चितकाल जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जा रहा है तब तक हम लोग अनिश्चित मैंने काल तक जो है बाजार को बंद रखें।
देखिए आप लोग, हम दिखाएंगे विजुअल में आपको बहड़िया में पूरा बंद कर दिए गए। पांडे जी से बात करें, पांडे जी बहड़िया में लॉकडाउन की तरह माहौल हो गया? लॉकडाउन नहीं है, इसको लॉकडाउन है, फुल्ली बंद है, टोटली 100% लॉकडाउन में बंद रहता तो उसी जी जी लॉकडाउन जैसा बंद है, बिल्कुल बंद है। इसके लिए मुख्य कारण है कि बाजार के व्यवसायियों पर लगातार यह धमकी दिया जा रहा है ना। ये है यहाँ के जो रंगदार लोग हैं, यहाँ के व्यवसायियों को तबाह कर रहे हैं इससे तंग आके। और जो 14 तारीख को गोलीबारी हुई जसवाल किराना स्टोर के सामने, उसके विरोध में 15 तारीख को जो बंद हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से बंद हुआ, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भी व्यवसायी या कोई भी राजनीतिक लोग, एक भी व्यक्ति मैंने संविधान के दायरे से बाहर जाके नहीं कुछ नहीं तो लिखित नहीं दिया गया था, लिखित साफ लिखा गया। यह अटेंडम घटना घटी। अच्छा। इसके पहले पूर्व नियोजित तो कार्यक्रम था नहीं, यह पहले से, जैसे आज का जो बंद है यह पूर्व नियोजित है। इसकी हम लोग सूचना विभाग को, SDO साहब को, स्थानीय CO साहब को और BDO साहब को लिखित रूप में हम लोग दे चुके हैं। उस दिन की घटना अकस्मात हुई, आक्रोश में लोग आके बंद कर दिए। इसके लिए हम लोग पहले से प्लानिंग था क्या कि यहाँ इस तरह की घटना होगी, हम लोग लिखित सूचना देंगे। अकस्मात घटना घटेगी तो उसमें पहले से सूचना कैसे दी जाएगी, समझ गया ना बात हमारी? अकस्मात घटना थी, अकस्मात लोग आक्रोश में आके संवैधानिक ढंग से अपना वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। इसके एवज में, झूठे मुकदमे में जो लोगों को फंसाया गया, निर्दोष लोगों को, प्रशासन उसे वापस ले। इस थाना प्रभारी जो अक्षम है बड़हरिया के विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने में, उसका यहाँ से स्थानांतरण हो, है ना, और सही जो क्रिमिनल है उसकी गिरफ्तारी हो। जब तक यह नहीं होता है, यह बड़हरिया बाजार समिति निर्णय ले चुकी है कि अनिश्चितकालीन हम लोग बंद रखेंगे। पहले आपका सुनना, ओम प्रकाश पांडे।